हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज। हाउस रेंट अलाउंस क्यों दिया जाता है? इम्प्लाई को देता है इम्प्लायर ताकि वो रेंट दे, किराए पे रहता है ना, किराए पे रेंट देगा तभी तो उसको हाउस रेंट अलाउंस देते हैं। तो अगर हाउस रेंट अलाउंस आपको भत्ता मिला है और सेक्शन क्या 10 सब सेक्शन 13 ए हाउस रेंट अलाउंस आपको मिला है, बट आप रेंट के रूप में कोई भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, यानी अपने घर में रह रहे हो, यानी रेंट बिल्कुल नहीं पे कर रहे हो, जितना हाउस रेंट मिलेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? एचआरए मिला और रेंट आपने बिल्कुल भी पे नहीं किया, तो जितना एचआरए होगा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी पैरा चेंज करके, यदि आपने रेंट के रूप में कोई भी अमाउंट खर्च पे किया, एक रुपए भी दो रुपए भी, तो तीन अमाउंट में से सबसे कम अमाउंट की छूट होगी। पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस सैलरी का 10%, और तीसरा 50% सैलरी चार महानगरों के लिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और अन्य सिटीज के लिए कितना है? 40%। हमने बोला सैलरी, सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस बताया अभी, दो पार्ट होते हैं, पार्ट और नॉट पार्ट, तो कौन सा पार्ट वाला, और तीसरा है कमीशन ऑन सेल, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, जितनी सेल होगी उसका कुछ परसेंट दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे 4 लाख की सेल हुई 4 लाख का 2% दिया है, तो वो वाला निकाले। कमीशन कई तरह का होता है, प्रोडक्शन पे भी होता है, फिक्स भी होता है, वो नहीं लेंगे, जो फिक्स परसेंटेज वाला होगा कमीशन उसको लेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड अलाउंस। एग्जेम्प्टेड अलाउंस, ये अलाउंस ऐसे होते हैं जो किसी को टैक्सेबल नहीं होते, कोई भी अलाउंस मिले इन लोगों को कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तीन लोग हैं, इम्प्लाई ऑफ गवर्नमेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, वो इम्प्लाई जो भारत से बाहर कार्यरत हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, दूसरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और तीसरा इम्प्लाई ऑफ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फुली टैक्सेबल अलाउंस। इसके अलावा कोई भी अलाउंस जाए, जितने हमने बताया ना, इसके अलावा कोई भी अलाउंस आएगा पूरा टैक्सेबल होगा। डॉग अलाउंस होता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है, टिफिन अलाउंस होता है, लंच अलाउंस होता है, वार्डन प्रॉक्टर अलाउंस होता है, ओवर टाइम अलाउंस होता है, ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। मतलब जो प्रॉपर दे रखे हैं इनके अलावा जो भी होगा वो फुली टैक्सेबल। जी सर, ये डॉग।